रॉयल एनफील्ड एक इंडियन लेजेंडरी ब्रांड जिसके सामने सारे इंटरनेशनल ब्रांड छप रही हैं स्पेशली। तुमको आइडिया मिल ही गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस ब्रांड यानी रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छा खबर आ रहा है कि रॉयल एनफील्ड अपना न्यू बॉम्बर लुक के साथ एक न्यू बाइक को लॉन्च करने वाला है जिसका नेम शॉटगन 650 है। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब एक्मा शो 2021 मिलान में हो रहा था तब रॉयल एनफील्ड ने अपना न्यू कॉन्सेप्ट बाइक के बारे में बात किया था जिसका नेम SG250 था, जिसमें सेम पैरेलल 650cc का डबल सिलेंडर इंजन है, जो सेम इंजन हम लोगों को रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 में भी मिलता है और भी रॉयल एनफील्ड के कई प्रोडक्ट में ये वाला इंजन अवेलेबल है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम तक हम लोगों को ये लग रहा था ये SG650 में भी कोई कॉन्सेप्ट बाइक होने वाला है जो मे बी फ्यूचर में आए, लेकिन इस बाइक को रिसेंटली ही स्पॉट किया गया था जिसका फोटोज तुम देख सकते हो। इन फोटोज में ये साफ साफ दिख रहा है कि इन बाइक को टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है ये बाइक जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अगर हम लोग इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये बाइक नवंबर तक लॉन्च हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बाइक हद से हद मार्च से लेकर जुलाई के बीच में लॉन्च हो सकता है। अगर हम इस बाइक के लुक के बारे में बात करें तो इस बाइक का लुक एक बॉबर लुक होने वाला है। इफ अगर तुमको नहीं पता कि बॉबर लुक क्या होता है तो जावा 42 बॉबर एक बॉबर बाइक है, उसको तुम देख सकते हो। इसका लुक उसी के जैसे होने वाला है, लेकिन ये बाइक बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और बहुत ही ज्यादा शानदार रोड प्रेजेंस के साथ आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम इस बाइक के वेरिएंट्स और कलर्स के बारे में बात करें तो सेम इंटरसेप्टर 650 के जैसे इसमें 3 वेरिएंट्स और 60 कलर्स में ये बाइक आ सकता है। इसमें वेरिएंट्स और कलर का डिफरेंस 50,000 to 60,000 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट इसके वेट के बारे में बात करें तो क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड है तो 100% ये एक भारी भरकम बाइक होने वाला है। इसका एक्सपेक्टेड वेट मेरा मानो तो 200 किलो के आसपास तो होने ही वाला है। नेक्स्ट अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें सेम इंटरसेप्टर 650 वाला 648cc का डबल सिलेंडर पैरेलल ट्विन इंजन आने वाला है जो मैक्सिमम 47 bhp का पावर निकालेगा और 52 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकालेगा। ये पेट्रोल इंजन BS6 फेस 2 के साथ आने वाला है, मतलब ये इंटरसेप्टर 650 से ज्यादा रिफाइन होने वाला है। इसके अगर हम टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसका टैंक 13.7 लीटर का हो सकता है और इसके माइलेज के बारे में बात करें तो उसका माइलेज मैक्स टू मैक्स 30 km/h तक हो सकता है। इस बाइक में सेम इंटरसेप्टर 650 के जैसे 6-speed गियर बॉक्स आने वाला है जिसका मैक्स स्पीड अराउंड 140 km/h तक हो सकता है। नेक्स्ट इसके डिजाइन एलिमेंट के बारे में बात करें तो इसमें सिंगल फ्लोटेड सीट होगा, शॉर्ट ट्यूबुलर हैंडल बार होगा, चॉप्ड फ्रंट एंड रियर फेंडर होगा, बार एंड मिरर होगा, चंकी और मोटा विथ वाला टायर होगा और ये बाइक एक रेट्रो लुक के साथ विथ एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आने वाला है। लास्ट इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें बुलेट मशीन फ्यूल टैंक आने वाला है, बोथ फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक आने वाला है विथ इंटीग्रेटेड डुअल चैनल ABS विथ पेडल डिस्क ब्रेक, अपसाइड डाउन फोक्स जैसा फीचर्स इसमें आने वाला है। सो रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 के बारे में अभी इतना ही न्यूज है। अगर तुम रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 के बारे में और भी फ्यूचर अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, या तुमको ऐसा ही ऑटोमोटिव और व्हीकल सेक्टर में इंटरेस्ट है और तुम उसके रिलेटेड फ्यूचर न्यूज पाना चाहते हो तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।